हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फाइंडर ऑफ गुड्स। जी हां, कौन होता है फाइंडर ऑफ गुड्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइंडर ऑफ गुड्स की। फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 71। जी हाँ, सेक्शन 71 बताता है फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है। पहले लेमेन टर्म्स में मैं समझा देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब ऐसा पर्सन जिसको गुड्स मिला है जो उसको बिलोंग नहीं करता, मतलब किसी और को बिलोंग करता है गुड्स लेकिन उसको सिर्फ मिला है, तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो वह लिखा है, देखिए ध्यान से, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। कहने का मतलब ऐसा पर्सन जिसको गुड्स मिला है जो किसी और को बिलोंग करता है, एंड ही टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, लेकिन वो अपनी खुद की कस्टडी में रख लेता है, इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। तो उसकी सेम टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी एज बेली। बेली कौन होता है वो हमने ऑलरेडी बेलमेंट के वीडियो में समझा था, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज बेली जैसी ही होती है। A finder of goods is subject to responsibility of bailee to take due care of the goods and try to find out the true owner. अब इसका मतलब ये है कि finder of goods जो है वो goods का ध्यान रखेगा, उसको संभालेगा, ऐसे वो खुद के goods का संभालता है वैसे ही वो goods को संभालेगा और true owner को ढूंढने की कोशिश करेगा। एक finder of goods जो होता है उसकी जो right होती है वो entire world से ज़्यादा होती है except true owner, मतलब उसका हक जो होता है उस goods के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है except true owner, क्योंकि true owner तो असली में ओनर है उस गुड्स का, तो उससे ज्यादा हक फाइंडर ऑफ गुड्स का नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया से ज्यादा हक फाइंडर ऑफ गुड्स का होता है। तो वो लिखा हुआ है, ही इज एंटाइटल्ड टू इट्स पोजेशन एज अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, मतलब वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है कि ये गुड्स मेरा है, लेकिन वो ट्रू ओनर से नहीं लड़ सकता एज इफ वो गुड्स उसका है। सिंपल है, क्योंकि असली में गुड्स किसका है, ट्रू ओनर का, एकदम ईजी। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जिसको गुड्स मिला है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो पहला, ही मस्ट टेक ऑल द नेसेसरी मेजर्स टू ट्रेस द ट्रू ओनर। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनी सारी कोशिशें करनी चाहिए ट्रू ओनर को ढूंढने की। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, ही मस्ट टेक ऑल द एफर्ट्स टू ट्रेस द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर ढूंढने की सारी कोशिशें उसको करनी चाहिए। दूसरा, ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। इसका मतलब उसको गुड्स का ध्यान रखना है, उसको गुड्स का ऐसे ध्यान रखना है एज इफ वो खुद के गुड्स का ध्यान रख रहा हो, या फिर कोई एक इंसान अपने गुड्स का ध्यान रखता हो वैसे ही उसको उन गुड्स का भी ध्यान रखना है। सिंपल। तीसरा, ही कैन नॉट यूज द गुड्स फॉर इट्स ओन पर्पस। वो गुड्स को अपने पर्पस के लिए यूज या पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओनर नहीं है। चौथा, टिल द ओनर इज फाउंड आउट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल वेस्ट हिम। इसका मतलब ये है कि जब तक उसको ट्रू ओनर मिल नहीं जाता तब तक वो गुड्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है। मींस फाइंडर ही कैन रिटेन द गुड्स एज हिज ओन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। इसका मतलब वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है कि ये गुड्स मेरा है, लेकिन ट्रू ओनर से नहीं लड़ सकता। मतलब ये है कि जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता तब तक वो गुड्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है लीगली, लेकिन वो ट्रू ओनर को गुड्स दे देगा जैसे ही वो ट्रू ओनर मिला। मतलब उसका हक पूरी दुनिया से ज्यादा है लेकिन ट्रू ओनर से ज्यादा नहीं। सिंपल सिंपल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी किसकी, फाइंडर ऑफ गुड्स की। सेम टू सेम बेली जैसी है कि वो गुड्स का ध्यान रखेगा, खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, मिसयूज नहीं करेगा, ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, जैसे ट्रू ओनर मिल जाता है उसको गुड्स वापस रिटर्न कर देगा। सिंपल, एकदम ईजी, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में स्टूडेंट्स जो है ये टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते, तो वो कुछ भी लिख के आते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप भी इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। बाय।